एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुनीता गुप्ता, आई एम बीएचएमएस टेनर्जी एंड एफएमसी फ्रॉम जर्मनी। और जो आज का टॉपिक है इज रिलेटेड टू सनस्क्रीन मिथ्स। सनस्क्रीन के कुछ मिथ हैं जो कि लोगों को लगता है कि वो बड़े ट्रू है, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे कि वो रियल हैं या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ कि सनस्क्रीन जो है वो घर के अंदर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सनस्क्रीन जो है घर में बिल्कुल लगाना चाहिए। एक्चुअली सनस्क्रीन आपको पूरे साल लगाना होता है, जब आप घर में भी हैं चाहे आप बाहर भी हैं। बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली लगाना होता है, पर जब आप घर में होते हैं तो भी लगाना होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि सन रेज़ घर में तो आती नहीं है, बट लाइट तो अंदर आती है ना, और लाइट के अंदर यूवी रेज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्किन को डैमेज करती हैं आपके। तो इसलिए आप जब घर में रहेंगे तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि क्या सनस्क्रीन जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा SPF वाला लगाएंगे तो बहुत अच्छा होता है क्या? SPF बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SPF बहुत ज़्यादा का मतलब होता है, मान लीजिए SPF 30 है या SPF 50 ले लेते हैं हम, SPF 50 प्लस प्लस जो है उसको लेके चलते हैं, तो उसको आप बहुत ज़्यादा लगाओगे और फिर हम सोचते हैं कि SPF जितना ज़्यादा होगा हम उतने ज़्यादा धूप में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको 30 प्लस प्लस जो होता है वो सारी स्किन के लिए ठीक होता है, अनटिल अनलेस आपकी स्किन जो है कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है या फिर ड्राई है, वो देखना पड़ता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको और जो मैटे वाला होता है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, वो जेल वाला यूज़ करना चाहिए जो सनस्क्रीन होता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल भी यूज़ कर सकते हो, मैट भी, लेकिन मैं मैटे जो है वो रिकमेंड नहीं करती हूँ सनस्क्रीन, बिकॉज जो मैट होता है, जो मैटे होता है वो आपके पोर्स के अंदर चला जाता है और पोर्स को ब्लॉक कर देता है, वेंटिलेशन नहीं हो पाता, वहाँ पर ब्लैकिश एरिया हो जाता है वो वाला आपका। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मैटे वाला यूज़ करें। आप जेल यूज़ कर सकते हो या फिर आप हाइड्रेटेड वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जितना केमिकल फ्री होगा सनस्क्रीन उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और तो हम बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा SPF के बारे में, तो बहुत ज़्यादा SPF नहीं चाहिए होता आपको। नॉर्मल इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से तो 30 प्लस प्लस SPF इज़ बेस्ट, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन का SPF बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं ख़राब ही करेगा, वो कोई बेनिफिट नहीं पहुँचाता। ठीक है, और जो सनस्क्रीन होता है उसकी हम एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते हैं। प्लीज़ जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें तो उसकी एक्सपायरी डेट प्लीज़ चेक कर लीजिए कि उसकी एक्सपायरी डेट कितने तक है। एटलीस्ट 6 मंथ्स बियॉन्ड होनी चाहिए, जब आपने ख़रीदा है उससे लेके 6 मंथ्स तक कम से कम उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अगर एक्सपायर कर गया है तो वो सनस्क्रीन आप नहीं बाय करेंगे, अगर आप बाय करते हो तो वो एक्ट नहीं करेगा, प्लस वो हार्मफुल होता है स्किन के लिए। ठीक है, जो सनस्क्रीन होता है उसको हम कौन से एरियाज़ पे, पूरे पूरे शरीर पे लगा सकते हैं सनस्क्रीन को। ठीक है, और लिप्स के लिए आपको जो भी लिप बाम या जो भी आप लिप स्क्रब वगैरह यूज़ करते हो उसके अंदर ट्राई कीजिए कि SPF इंक्लूडेड हो। ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने आईलिड के एरिया को, अपने लिप्स को और अपने ईयर पे नहीं लगाते सनस्क्रीन। यहाँ भी लगाना है आपको सनस्क्रीन। ठीक है, बिकॉज अमेरिकन डर्मेटोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है उनके हिसाब से अगर इन जगहों पर आप नहीं लगाते हो सनस्क्रीन तो आपको नॉन कैंसरस मेलेनोमा का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ज़रूर अपने स्किन के ऊपर हर एक पार्ट पे सनस्क्रीन लगाना है। बहुत ज़्यादा SPF का ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, 30+ इज़ इनफ फॉर द इंडियन क्लाइमेट, और बाकी आप अपनी स्किन के हिसाब से अपने जो भी आपका फिजिशियन है उसको दिखाइए, वो आपकी स्किन देख के, आपकी त्वचा को देख के बता देगा कि हाँ आपको कौन से जेल का लगाना चाहिए, हाइड्रेटेड वन लगाना चाहिए, मैटे लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए वो बता देगा। ठीक है, और बाकी जो सनस्क्रीन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप में। अगर मुझसे कोई पूछे तो बिल्कुल मेकअप में अगर एक चीज़ आपको कैरी करनी है तो आप सनस्क्रीन कैरी कीजिए, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन कैरी करते हो तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, बाकी सामान तो आप फिर भी लगा सकते हो, बट सनस्क्रीन आपकी पूरी स्किन को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। एक चीज़ और थी कि जो लोग स्विमिंग करते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो जब स्विमिंग करने जाते हैं तब वो सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते, वो क्या करते हैं कि जब बाहर निकलते हैं स्विमिंग पूल से तब वो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप सनस्क्रीन लगा के आपको पूल के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, जब आप सनस्क्रीन लगा के पूल में जाते हो तो आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहती है पानी से भी, और जो उसके अंदर यू नो क्लोरीन वगैरह डला होता है पूल के अंदर उससे भी प्रोटेक्ट रहती है, प्लस सनराइज से भी प्रोटेक्ट रहती है, और स्किन एक्चुअली प्रोटेक्शन में रहती है उस टाइम पे। अगर आप पानी में जाने से पहले नहीं लगाते हो, पानी से निकलने के बाद में लगाते हो,
तो ठीक है, स्किन तो मतलब ठीक, ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से प्रोटेक्शन कर रहे हो, बट जो तरीका है वो पूल के अंदर जाने से पहले ही लगाना है, पूल के निकलने के बाद में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो दीज आर सम सनस्क्रीन मिथ्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, एंड आई होप गिविंग यू इनफ इन्फॉर्मेशन, एंड प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए ताकि आपकी स्किन जितनी हो सके अच्छी अच्छी रहे और बेस्ट रहे। और आई होप मैंने कुछ ऐसा बताया हो जो आप अप्लाई ज़रूर करेंगे और अपनी स्किन को जितना हो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और पानी बहुत पीजिए, बिकॉज समर आ गए हैं तो समर में पानी बहुत पीना चाहिए, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।